हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, एक परफेक्ट ड्राइवर होता क्या है? जरूर आप लोगों में इतनी सारी क्वालिटीज़ होंगी हमेशा। देखो, जरूरी नहीं है कि क्वालिटी है तो उसके साथ साथ आप परफेक्ट हो। कई बार हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं जो हमें जो है एक परफेक्ट ड्राइवर और एक अच्छा ड्राइवर हमें नहीं बनने दे सकते। ठीक है, आप एक चीज़ नोट करके देख लेना, एक परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपको क्या है ना कि आपको 15 साल 20 साल का जो है ना एक्सपीरियंस या तजुर्बा होना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट ड्राइवर बनेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है भाई कि जब वो ड्राइविंग सीखते हैं ना, न्यू ड्राइवर होते हैं, विद इन अ ईयर भाई वो अपने स्किल सेट इतने शार्प कर लेते हैं कि वो एक परफेक्ट ड्राइवर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब तीन चीज़ें मैं आपसे मेनली डिस्कस करूंगा जो कि आपको ये बताएंगे कि यू आर द परफेक्ट ड्राइवर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अल्टीमेट गोल क्या होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, कि आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी जो जान है ना, आपको सेफ्टी जो है इंश्योर करनी है। तो भाई, जो ड्राइवर अपनी सेफ्टी के साथ साथ जो पेडेस्टल जो जितने भी मूवमेंट हैं सड़कों पे, उनकी सेफ्टी भी इंश्योर कर रहा है ना, जैसे मोटरसाइकिल वाले हैं या कोई पैदल है, इवन जो एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, अगर आप उनकी जान की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उनकी सेफ्टी भी इंश्योर कर रहे हो भाई, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और मेरी नज़र में भाई, उससे बढ़िया परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो सकता। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपने शुरू में देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आप गाड़ी बहुत अनचर्ड, मतलब ठीक है, अनचर्ड मतलब आप फन टू ड्राइव करते हो। ठीक है, आप गाड़ी बहुत अच्छे भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो, एक्सीलरेशन कर रहे हो, डी एक्सीलरेशन कर रहे हो, ठीक है, फटाफट गियर चेंज किए, वो मतलब फन टू ड्राइव आप कर रहे हो। लेकिन भाई, ये सब चीजें करने से क्या होगा ना, आपकी गाड़ी का वेयर और टेयर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, जिससे फायदा क्या होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा कि आपकी गाड़ी की जो लाइफ है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, वो गाड़ी की जो लाइफ होगी वो कम हो जाएगी और गाड़ी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा मांगेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हर आदमी ये सोचता है कि मेरी गाड़ी जो है ना एक बहुत अच्छा एवरेज दे। अब कई बार क्या होता है कि जो कंपनी क्लेम करती है ना भाई, इतना जो है एक लीटर में आपका इतना किलोमीटर की फ्यूल इकोनॉमी आएगी, कई बार फिर लोग मैंने परेशान होते हुए देखे कि कंपनी तो बोल रही है भाई 15-16-17 का और मेरी गाड़ी दे रही है 8-9-10। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन उनमें से एक कंडीशन ये भी होती है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट क्या है, आप कितनी सेंसिबल तरीके से, कितने जेंटलमैन तरीके से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, ड्राइविंग जो है जेंटलमैन तरीके से नहीं, आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेटर नहीं आएगी। और अगर आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेटर नहीं आ रही है तो भाई, आपका जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भी कंफर्टेबल चाहिए ना भाई। तो भाई, ये तीन चीजें हो गई आपको बताने के लिए कि भाई यू आर इन द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट ड्राइवर और नॉट। अब आप मेरे को बताओ कि आप लोग इन चीजों में से क्या चीज फॉलो करते हैं, और अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज एड ऑन करना चाहते हो कि ये चीज भी होनी चाहिए, वैसे डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिक चीज ये क्वालिटीज तो होनी ही होनी चाहिए अगर आपको एक परफेक्ट ड्राइवर बनना है। अगर आपको कुछ लगता है कि आपके हिसाब से ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये एक परिभाषा है परफेक्ट ड्राइवर की, तो आप एक कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। राइट, तो होप ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।